और आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए आप लोगों को व्याजकों का गुणनफल चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे उसमें कुछ अभ्यास कराने के लिए और भी सवाल बताना चाहते हैं। आप लोग देखिए जिससे कुछ अभ्यास भी होगा और नवीन जानकारी भी प्राप्त होगी। तो जैसे लिखा है निम्नलिखित व्याजकों के गुणनफल प्राप्त कीजिए, हमने कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन छांट करके रख दिए हैं जिससे कि गुणनफल की संख्या आपको अच्छी तरीके से सीख। जैसे मान लीजिए कि इतने सवाल लिखे हुए हैं तो हम इस सवाल को तैयारी करने जा रहे हैं और अबोर्ड भी खत्म हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि हमको दिया गया है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड x माइनस वाई। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम इसका अंदर गुणा करवाते हैं तो x का गुणा वाई करवाएंगे, x वाई ये प्लस होता है ये माइनस है तो माइनस x का गुणा z में तो x z प्लस y का गुणा अंदर तो y z माइनस y x प्लस z का गुणा अंदर z x माइनस जेड होगा। तो अब आप देखिए कि ये हमको गुणनफल प्राप्त हो गया, परंतु इस गुणनफल पर हम ये विचार करते हैं कि ये गुणनफल क्या वास्तव में इतना ही अंश है। तो हम ये विचार करते हैं, देखते हैं कि गुणनफल में अगर सजातीय पद आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं और अगर सजातीय पद आपस में घट जाते हैं तो उन्हें घटा देते हैं। अर्थात गुणनफल को जितना संभव है अंत तक हल करते। तो देखिए ये लिखा है एक्स वाई और इसका सजातीय पद है एक्स वाई में जी कई है ये एक्स वाई। अब इधर वाई लिखा है इधर एक्स लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में क्रम विनिमेय नियम सत्य है। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई ये माइनस का ये प्लस का है तो ये आपस में घट गए यानी कट गए तो कुछ नहीं बचा। अब ये माइनस एक्स जेड और ये प्लस का जेड एक्स है ये भी आपस में कट गए और ये वाई जेड है प्लस का ये माइनस का जेड वाई है। इस प्रकार हमको इसका गुणनफल शून्य प्राप्त। तो ऐसे सवालों पर भी हमें विचार करना है कि हमें गुणनफल शून्य भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से इस बार संपन्न हुआ इसका गुणनफल शून्य। अब आप दूसरा सवाल देखेंगे, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल ये है छोटा स्कूल तीन तो क्या टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। जैसा कि हमने तुम लोगों को विस्तार से बताया है कि सबसे पहले हम अंकों का गुणा अंक से कर लेते हैं यानी कि गुणांक का गुणा गुणांक से कर लेते हैं तो तीन दूनी छह। अब इसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद भी एक्स का गुणा एक्स करते हैं क्योंकि आधार बराबर है तो बातें जुड़ जाती यहाँ एक यहाँ दो तो एक्स प्राप्त हो गया तीन। यहाँ पर वाई आधार बराबर है तो इनकी घातें जुड़ जाती है यहाँ पर कुछ नहीं तो एक दो एक तीन तो वाई की घात। इस प्रकार से हमें गुणनफल प्राप्त हो गया है, ये आपका आंसर है। अब इसके पश्चात हम इस सवाल को बताने जा रहे हैं। देखिए हाँ तो ये सवाल ई नंबर सवाल। अब ये सवाल है हमारा ये पूरा चलिए ये ऐसे लिखती अब इसका हमें गुणा करना है ये एफ नंबर हम फल कर रहे हैं तो ये एक लाइन की स्थिति। अब आप गुणा करते तो जेड का गुणा जेड में करेंगे तो ये माइनस ये प्लस माइनस जेड पावर
इसका मान y करेंगे माइनस ये माइनस प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर जितना हुआ इसमें करेंगे जब स्क्वायर जेड स्क्वायर ए माइनस। दूसरी लाइन में अब y का गुणा इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर y, ये y और ये z, तो जेड स्क्वायर y एक साथ नीचे आ जाएंगे प्लस माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस y पावर 4 माइनस y पावर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, है नहीं x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का माइनस। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे z स्क्वायर x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो y स्क्वायर x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है इसलिए माइनस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स पावर फोर, ये एक बार पुनः ध्यान दें जेड का गुणा आप जेड में कर रहे हैं तो इसके आधार बराबर है दो दो चार, ये हो गया। अब ये माइनस है ये प्लस है, जेड का गुणा इसमें करिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ये माइनस ये प्लस हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस ये माइनस एक लाइन। अब वाई स्क्वायर का गुणा इसमें करिए तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों प्लस, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें वाई स्क्वायर देखिए बोल रहे हैं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर वाई का गुणा इसमें करेंगे y टू है वाई पावर टू ये और ये प्लस ये माइनस टू, फिर y को गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, तो y को गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये प्लस का आएगा। अब इसके बाद x स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें तो दोनों प्लस के जेड स्क्वायर x स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये देखिए इसके नीचे लिखते हैं, फिर इसके बाद में इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा इसमें करेंगे एक्स पावर। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो देखिए ये पद हमारा कट जाता है एक्स की पावर और ये पद भी हमारा कट जाता है, ये पद हमारा जुड़ जाएगा 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम क्रम से भी लिख सकते हैं या x पावर 4 माइनस जेड पावर 4 माइनस y पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हुआ कि गुणनफल में इतना प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात ये सवाल पूरा हो गया, दूसरे सवाल देखिए सवाल नंबर डी, तो ये डी नंबर में लिखा है 2a स्क्वायर प्लस 3b प्लस ए इंटू 9a प्लस 6b स्क्वायर, इसका हम गुणनफल तो क्रमशः छह का गुणा पूरे हम करा दीजिए छह बी स्क्वायर का तो 648 बी स्क्वायर, फिर इसमें छात्र का 18 बी पावर 3 यहां एक, फिर छह का गुणा इसमें छह गुणी 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें
इसमें कहीं भी माइनस नहीं लगा है, इसलिए हमारा गुणनफल कोई माइनस प्राप्त ही नहीं होगा, बहुत आसानी से हो सकता है। अब इसके बाद में नौ को गुणा करा दिए, नौ अट्ठी बहत्तर ए, तो इसमें बहत्तर ए अलग लिखा जाएगा, नौ तिरका सत्ताईस ए बी, तो ए बी का कोई पद नहीं है, सत्ताईस। फिर नौ दूनी अठारह ए क्यू, तो ये अठारह ए पुनः देख लीजिए एक बार फिर से, छह अट्ठे अड़तालीस, अच्छा अड़तालीस, ये अड़तालीस, यहां भी पावर टू, यहां भी नहीं है, केवल भी आ जाएगा। अब इसके बाद में छह तीन अठारह, बी पावर वन, बी पावर टू, तो अठारह बी टू, फिर छह दूनी बारह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लाइन। इसी प्रकार से नौ अठ बहत्तर ए, फिर नौ तिरपा सत्ताईस ए और बी सत्ताईस, फिर नौ दूनी अठारह ए स्क्वायर है, यहाँ ए। अब इस प्रकार से हमको ये गुणनफल प्राप्त हुआ, तो हम इसको जोड़ करके लिख देंगे, जैसे क्रम से अठारह ए क्यू प्लस सत्ताईस ए बी प्लस बारह ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अठारह बी क्यू प्लस फोर्टी एट बी स्क्वायर प्लस सेवेंटी टू ए। तो इस प्रकार से ये हमको गुणनफल प्राप्त हुआ और ये हमारा आंसर है। तो इन दोनों बीजी व्यंजकों का गुणनफल ये आ गया और इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ। और देखिए सी नंबर, तो सी नंबर है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू फोर एक्स माइनस टू वाई, ये सवाल है। गुणा कर दीजिए, दो का गुणा करा दीजिए, इसमें माइनस ये प्लस, तुरंत माइनस, दो दो हो गया वाई जेड, फिर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, यहां प्लस यहां माइनस, माइनस दो दो आ गया वाई, वाई का तीन हो गया, फिर इसमें गुणा कराइए तो माइनस ये प्लस, ये हो गया माइनस, यहां दो ये दो हो गया, एक्स पावर तीन और ये वाई, एक लाइन है। अब इसका गुणा इसमें कराइए तो फोर जेड एक्स, कोई पद नहीं अलग लिखिए फोर जेड एक्स, फिर इसका गुणा इसमें कराइए फोर वाई स्क्वायर एक्स, कोई पद नहीं तो प्लस फोर वाई स्क्वायर एक्स, फोर वाई स्क्वायर एक्स, फिर इसका गुणा इसमें कराइए फोर एक्स पावर, हो जाएगा फोर एक्स पावर, ये प्लस एक्स। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा फोर एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब वाई माइनस टू वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर एक्स, या इसको क्रम से लिख सकते हो फोर एक्स पावर फोर। अब इसके बाद में माइनस टू वाई पावर थ्री माइनस टू एक्स पावर थ्री वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर, ये आपका गुणनफल प्राप्त हुआ। केवल हमको बीच बीच में विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह प्रणाली का हमारी गलत हो जाता है और सजाती पद हम सजाती पद के नीचे ही लिखें। इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ। अब आपके पास दो सवाल बचे हुए हैं, इनको हल करना है। तो जैसे ये नंबर है आपका थ्री एक्स वाई स्क्वायर नाइन एक्स माइनस एट वाई प्लस फाइव एक्स,
इज इक्वल टू 3xy² का इसमें गुणा करा दीजिए तो 9 3 27 सीधे गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा सीधे करा सकते हैं 9 3 27 एक्स की पावर 1 x की पावर 1 x² y पावर 2 माइनस 8 3 24 यहाँ x है यहाँ x नहीं है सीधे x y पावर 1 y पावर 2 y पावर 3। इसके बाद इसका गुणा करा दीजिए 5 15 x का गुणा x से x² y का गुणा y से y भाग 3 ये काफी है 2। इस प्रकार से सीधे प्राप्त हो गया आपको 3 9 3 9 27 x² y स्क्वायर माइनस पीरियड 24 x तो ये x आ गया y पावर 2 y पावर 1 y पावर 3 हो गया। इसके बाद में ये बची 15 x² y पावर 3 तो ये आंसर आपको प्राप्त। अब एक सवाल बचा है आपका ए का, ये भी बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप स्ट्रिक्टली लगाना चाहें तो 2x * 9x है ना और -6y * 2x +2z * 2x आप अलग अलग गुणा कर दीजिए 9 * 18 x * 4 -6 * 12 xy +2 * 4 zx इस प्रकार से बीजी वैल्यू का गुणनफल कैसे करते हैं हमने कई प्रॉब्लम्स आपके सामने हल करके दिखाई। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप अपने अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से अनेक प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।